अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह विद आवर शो शेफ 21 ऑन K21 News। रोजाना लाइव होती शाम 6 से 7 रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। और दोस्तों अगर बात की जाए तो हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग अपनी जिंदगी में उनकी लाइफ में जो भी रुकावटें आती हैं, मुश्किल परेशानियाँ, बाज़ औक़ात उन्हें गैर मुनसिफाना शिकस्त की आजमाइश से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इस वक्त उनकी जिंदगी में जो कुछ या जब कभी कोई मुश्किल पेश आती है तो उन्हें हतमी समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी अब हमारी बेहतर हो सकती है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो एक मुश्किल वक्त भी होता है वो एक ना एक लाइफ के पार्ट होता है, छोटा सा जिंदगी से हिस्सा होता है, जिंदगी नहीं होती। लेकिन उस बांध का मन क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वन मोर टाइम खुश आमदीद कहते हैं और आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, हमें यकीन है आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, पसंद की रेसिपी है राइस की, ठीक है। और राइस के साथ साथ कीमा, हमारे यहाँ रुझान है बहुत मजे का कीमा बनता है। लेकिन आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, कीमा मसाला राइस, जो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी, पसंद आएगी। और बहुत से लोग मौजूद हैं, मुस्कान हमें रेगुलर देखती हैं, थैंक यू मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम बहुत बहुत शुक्रिया। अजान बहुत बहुत शुक्रिया जो आप रोजाना मौजूद होते हैं, बहुत तमाम दोस्त जो हमारे साथ रहते हैं। सवाल इतना सा दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल इतना सा बिल्कुल कि वो क्या चीज़ है जो आदमी पहनता है, वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है, वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है। और जवाब दे सकते हैं कॉल करके, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर डेफिनेटली चल रहा होगा। चलते हैं अज्जा की जानिब और बॉइल्ड राइस मौजूद है, देखिए कितने दिलकश लग रहे हैं ये। हाफ के जी के बराबर बॉइल्ड राइस है, ठीक है, जिसे हमने सिंपली पानी के अंदर सोख करके रखा, उसके बाद बॉइल कर लिया। कीमा हमने लिया बीफ का, ठीक है, गाय के गोश्त का, आप चाहें जिसमें मटन का, बीफ का, इवन वील का भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। कीमा राइस के बाद बाकी दीगर अज्जा में जा रहे चटपटा मसालेदार करना है यार अपने देसी अंदाज में, तो बाकी दीगर अज्जा में हल्दी पाउडर या मौजूद है, नमक यकीनन अज्जा जहाँ से जायके की इब्तदा हुई, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन पिसा हुआ, चाट मसाला भी मौजूद है, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बाकी वेजिटेबल में प्याज शामिल करनी है, धनिया पुदीना और लौकी भी दोस्तों इस डिश में हमने शामिल करनी है। प्रोसेस का आगाज करते हैं और सवाल पूछे वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है। और पैन में ऐड करते हैं सबसे पहले बहुत ही खास मेरिया कुकिंग ऑयल, ये देखिए आप, ठीक है, ऑयल ऐड करते हैं इसमें लगभग हाफ कप के बराबर, ठीक है। और पहले जाहिर कीमे की भुनाई करते हैं, तो डायरेक्टली नहीं करते, जाहिर हमारा अंदाज है पाकिस्तान जिसमें प्याज अदरक लहसुन को ब्राउन करते हैं, अदरक लहसुन को उसके बाद, तो पहले हम आगाज में अदरक लहसुन शामिल करते हैं। देखिए अब लगभग अच्छा खासा करें शामिल, 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक शामिल करने के बाद इसकी भुनाई का सिलसिला जारी है। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता कलर आ रहा है, चेंज होता जा रहा है फ्लेवर भी, खुशबू भी यकीन मजे की, ठीक है, प्रोसेस जारी देख सकते हैं आप। ऑयल में अदरक लहसुन, सिर्फ अदरक लहसुन तक हमने प्याज शामिल किया, प्रोसेस जारी है। और साथ ही कुछ अनियन लेते हैं, प्याज भी इस तरह आपने स्लाइस करना है, ठीक है, प्याज को, और उसके बाद 2 पीस, ठीक है, और उसके बाद हम प्याज को करते हैं स्लाइस कर लेते हैं, इसलिए अब 2 पीस किया और उसके बाद करते हैं स्लाइस, क्विकली कर सकते आप, ठीक है। वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात जिनके बाल गिरते हों, प्याज को पीसने के बाद पेस्ट अपने बालों में अप्लाई करने से यकीनन बाल आपके गिरना रोकते हैं। और वजह क्या है कि प्याज आपके बालों को गिरने से रोकती है, वजह ये कि एक तो प्याज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, दूसरी चीज़ ये कि प्याज यकीनन खून की रवानी दुरुस्त ना चली तो आपके बाल गिरते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें, वो कुवतें जो आपके बालों में हमला करती हैं, ठीक है, वो कुवतें जो आपके बालों में हमला करती हैं उसका बहुत ही उमदगी के साथ व्यूट से प्याज मुकाबला करती है। प्याज जरूर खाएं और डेफिनेटली की बहुत फायदे। और एक जो रिवायत है या एक जो कहावत है कि जब आप किसी और मुल्क जाते हैं या मौसम तब्दील हो रहा हो तो उसमें भी आपकी बॉडी की बेहतरीन मुकाबला हेल्प करता है प्याज। वो क्या चीज़ है जो आदमी खाता है, पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है,
प्याज लहसुन ब्राउनीज के बाद हमें कीमा शामिल करना है, बीफ कीमा ज्यादा जल्दी क्योंकि जरा टाइम लगता है हमसे, ठीक है। और कॉलर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है मिस साहब? जी अनिला रफीक बात कर रही हूं। सॉरी अनिला जी, अनिला कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक अनिला, मजे में, परफेक्ट। आज कीमा मसाला राइस कर रहे हैं तैयार। जी ये भी बहुत अच्छी डिश है, बहुत तकरीबन सभी को ये भी बहुत पसंद आती। जी बिल्कुल ऐसा ही अनिला। और जवाब देंगे सवाल का? जी देखें, चांदी जो है वो हम पहनते भी हैं और अक्सर उसके वर्क भी हम खाने में इस्तेमाल। अच्छा, आपने जवाब दिया चांदी हम पहनते हैं और चांदी का वर्क खाने में भी यूज किया जाता है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आपका जवाब भी नोट किया। और बताएं आज आपकी मेन्यू में अनिला क्या बनने जा रहा है, आज आप डिनर में क्या बना रही हैं? आज मैंने तो आलू और मुंगरे बनाए हैं। आलू और आलू और मुंगरे मुंगरे अच्छा 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 सही 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 हो सकता है आप जानते हो, पसंद हो आपको? जी 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 बिल्कुल 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 जी। चले अनिला, खुशी हुई आपसे बात करके। ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो अनिला मौजूद रही, प्याज लहसुन ब्राउन ऑर्डर देखिए कंटिन्यूअसली लाते रहना होता है ताकि हर जगह से एक जैसा है इसका कलर आए। ये देख सकते हैं आप, ऑयल में प्याज लहसुन ब्राउन किया और प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल जारी है। और दोस्तों वैसे वीकेंड में जाहिर बिजी रहा, सैटरडे संडे पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी पे शो है हमारा, ठीक है, नेशनल टेलीविजन जो लास्ट चार साल से कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे ठीक है। और पिंकिश का हल्का सा ब्राउन होगा उसके बाद इसमें हम कीमा शामिल करते हैं। सवाल इतना सा पूछा है, सवाल तो इतना सा पूछा, वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है? लास्ट कॉलर ने जवाब दिया चांदी, और कोई भी जवाब दे सकते हैं, आपके कॉल जरूर लेंगे। पर एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हम शामिल कर रहे हैं कीमा, बुनाई की सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। दोस्तों वेलकम बैक, और जो आप देखें शेफ 21 कीमा मसाला राइस कर रहे हैं तैयार। प्याज में अदरक लहसुन और ऑयल के बाद शामिल किया प्याज अदरक लहसुन, उसके बाद कीमा शामिल किया और जो खुशबू आ रही बहुत ही आला, कीमा बहुत अच्छी क्वालिटी का जाहिर है, ठीक है। और यकीनन मीट जितना अच्छा उतना ही आपकी मजे की मीट की डिश होती है तैयार, साथ ही टमाटर की भी करनी कटिंग। सवाल पूछा वो क्या चीज है, और यहाँ आदमी ज्यादा गौर से सुन रहे हैं, सवाल इतना सा है वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है, ठीक है। और जवाब देने लास्ट कॉलर ने कहा कि चांदी कवर का भी जवाब दे सकते हैं, टमाटर की करनी कटिंग, ठीक है, टमाटर पीस करते हैं। पर टमाटर से पहले दोस्तों इसमें मसाले शामिल करते हैं, खुश मसाले, ठीक है। ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले सॉल्ट, नमक, नमक के बाद हल्दी पाउडर, किसी भी लाल मिर्च एक खाने का एक चाय का चमचा और धनिया पाउडर। कॉलर भी आ चुकी है धनिया पाउडर शामिल करने के बाद, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूरी लाई खोड़ने बलारीपुर से शेफ के 21 में, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक मंजूर भाई, आप बताएं कैसे हैं? खरीदे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं, क्योंकि
दो दिन की छुट्टी और उसके बाद आज पहला दिन मुझे बताए मेरी पीसीआर एमसीआर कैमरामैन सब मेरे भाई कैसे हैं जी सब कैसे हैं जी सब बहुत खुश हैं एक्साइटेड हैं और हमारे असद सब हाथ हिला रहे हैं और सब बहुत खुश हैं बस सबको मेरा प्यार भरा सलाम जनाब अल्लाह इनको खुश रखे और मेरे तमाम कॉलरों को मेरे K21 के देखने वालों को जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँची या ज़ारा पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको बहुत बहुत सलाम जनाब जी वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब जनाब सर इसका जवाब मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर दे सकते हैं सवाल पूछा वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है कभी कभी खा भी लेता है जनाब अली मैं नहीं ये मुझे बताएं ये मैं क्यों जरूरी दे सकता हूँ क्यों क्यों इसकी वजह क्या है नहीं एक्सपीरियंस है ना आपका मैं समझ गया बहरा अल्लाह करे मेरी बड़ी सख्त दुआ है कि अल्लाह करे फटाफट आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाए हम भी खुशी से नाचेंगे फिर जी जी मंजूर साहब बिल्कुल और बताएं सब खड़ी थे बबलू कैसा बस मैं इस वक्त इस्लामाबाद हूँ मैं आपको सवाल का जवाब भी देता हूँ और रेसिपी भी आज की जबरदस्त है माशाल्लाह चल अभी मंजूर साहब जी जी अब ऑनर जवाब ना दें कंट्रोल में रिकॉर्ड करवा दें ठीक है मैं वहाँ दे देता हूँ कोई बात नहीं बाकी ये है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और A1 हूँ और इस दफा मेरा ये वीकेंड जरा लंबा होगा क्योंकि अब मैं यकम 2 को वापस हजारा जाऊंगा और यहीं पे हूँ कुछ काम है कुछ चीजें हैं ना जी जी बिल्कुल 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 चले थैंक यू मेहरबानी मेरे सब देखने वालों को K21 को मेरे व्यूज को सबको मेरा बहुत 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 दुआ भरा सलाम जी जवाब अयान साहब को रिकॉर्ड करवा लीजिएगा थैंक यू करवा रहा हूँ बहुत शुक्रिया दोस्तों मंजूर साहब ने कीमे की बुनाई जा रही है साथ टमाटर की कटिंग सिंपली 2 पीस की उसके बाद स्लाइस ठीक है क्विकली कर सकते हैं आप और कोशिश कीजिए टमाटर को इस तरह रखने के बाद स्लाइस ना किया जाए यकीनन हम देख रहे हैं कैमरे की नजर से इस तरह वजह ये कि अगर बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नाइफ आपकी स्लिप हो जाती है इस तरह से अगर नाइफ स्लिप हुई तो चांसेस है आपके हाथ के कटने के इसलिए ये बेहतर इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं ठीक है टमाटर प्रोसेस जारी है और देख सकते हैं आप कीमा मसाला राइस हो रहे हैं तैयार और चावल भी बहुत ही आला हुए हैं बॉयल बल्कि वुड से कि कुकिंग का आगाज बॉइलिंग से होता है और ये देख सकते हैं हमारी अरिशा जी ने कितने जबरदस्त राइस को बॉईल किया अगर सेला चावल है तो 2 to 4 hours के लिए पानी करने बासमती चावल को 30 to 35 मिनट काफी है ठीक है इससे अगर ज्यादा कोई रखता है तो वो तरीका दुरुस्त नहीं है टमाटर का प्रोसेस जारी और कीमे की खुशबू बहुत ही आला और यकीनन आप कॉल करके शौकस्ता बनते हैं वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है टमाटर और स्लाइस ठीक है क्विकली कर और रुखसाना जैदी भी आ चुकी है पर उससे पहले हम शामिल करते हैं टमाटर और बुनाई जारी है हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके ठीक ठाक रुखसाना जी आप बताएं कैसी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन किस्म के जैसे अभी आप बना रहे हैं तो ये कीमा ही इतना मजे का लग रहा है कि अब इसमें और सारे मसाले पड़ेंगे और ये बन के ही जी। तो ऐसे भी खा लिया जाए जरूरी नहीं है कि राइस के साथ ही खाया जाए लेकिन बहरहाल राइस पड़ के उसका अपना एक अलग बेहतरीन डिश बन जाती है लेकिन ये कि आप जिस तरह बना रहे हैं माशाल्लाह से हमें तो इतना अच्छा लग रहा है कि हम इसको नान के साथ या रोटी के साथ खाएं हाँ और रुखसाना जी आपने देखा होगा 5-star होटल में भी लोग ब्रेकफास्ट में कितना पसंद करते हैं कीमा जी कीमा पराठे बिल्कुल अच्छा मैं जवाब भी दे दूं जी तो इसमें ये है कि एक तो खैर चांदी भी है लेकिन ये है कि जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं उस तरह से जो मुझे जवाब समझ में आया है वो है जूता ठीक है आपका जवाब नोट किया और कोई फरमाइश है आपकी बस यही बहुत ही आप चीजें बनाते हैं अब कोई जैसे कि आपने पहले भी बनाया था पिज्जा रोटी में तो अब आप पिज्जा वैसा जो अच्छा सा पिज्जा होता है वो बनाना सिखा दीजिए जी अब जो आपने जो शो देखा किसी और चैनल पे वो इस यहाँ सबसे पहले हमने यही बनाया था जी आपने बनाया था बिल्कुल बनाया था ठीक लेकिन इस हफ्ते हमारी जी जी बिल्कुल वो मॉनिटर में बनाया था लेकिन इस हफ्ते हमारा पूरा मेन्यू बहुत ही आला है ठीक है और इस हफ्ते हम कोई आलू का पिज्जा भी बना रहे हैं फर्स्ट टाइम किसी भी टीवी शो में आप देखेंगे और सारा मेन्यू इस हफ्ते का बहुत मजे का देखिएगा थैंक यू बहुत शुक्रिया
दोस्तों प्रोसेस जारी है, और टमाटर और कुछ और शामिल करें ताकि रायता में हमने राइस ऐड करके दम देना है। और डिफरेंट ये कि रायता हम सब बनाते हैं, हर घर में बनाया जाता है, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके और जो बहुत से लोग इस दुनिया में आने से पहले से ही रायता बनता आ रहा है, लेकिन आज डिफरेंट है। डिफरेंट ये आज आलू का रायता करे रायता, लेकिन अच्छा लगेगा। सवाल पूछो वो क्या चीज़ है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है। टमाटर कुछ और शामिल करते हैं, प्रोसेस जारी है। दो पीस उसके बाद इस तरह आपने स्लाइस कर लेना, ठीक है। और स्लाइस टमाटर शामिल किया, कीमा जितना मजे की बनाई होगी उतना मजे का राइस हो गया तैयार। कोशिश कीजिए गला लेना आप 80% यहीं पे गला लेना। साथ ही जरा और मजे का बनाने के लिए धनिया पुदीना कर रहे हैं चॉप, और बिल्कुल देसी अंदाज का खाना है आज, देसी मेन्यू है, ठीक है। और से हम कर रहे हैं चॉप, ठीक है, धनिया पुदीना दोनों साथ ही, इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी है एंड मिंट भी है, ठीक है। और रखने के बाद में कर रहा हूँ चॉप, आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही कुछ और ट्रिक ही मैजिकल चीजें बिल्कुल ऐड करनी है, और एक वक्फे के बाद लेट्स टेक अ ब्रेक। शामिल किया, और कीमा देखिए फ्राई कर चुके हैं ब्रेक के दौरान, काफी मजे का, ठीक है। चखना हमने कहा एक आर्ट है, और दुनिया भर में चखने वाले को अच्छा खासा पैसा मिलता है, मेरा एक काम है, ठीक है। बहुत से लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और पैसे देते हैं, एक रेस्टोरेंट का मैं शेफ हूँ और वहाँ मेरा काम सिर्फ इतना से खाना चखना है, और खाना चखने के मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये आर्ट है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं आज भी कीमा मसाला। वाह मसालेदार चटपटा, कुछ और चीजें लौकी भी उसमें शामिल करनी है, ठीक है, जो छिली भी रखी है, और कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सर आप मजे में, परफेक्ट, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, आज कीमा मसाला बन रहा है जी, बिल्कुल जबरदस्त बन रहा है जी। जी बिल्कुल मजे का। थैंक यू फॉर योर कॉल, और बताएं क्या कर रही हूं। मैं रेसिपी लिख रही हूं, नोट कर रही हूं जी। खुश रहें। और सना क्या कहेंगी आप, सवाल का जवाब देंगी आप? हाँ बिल्कुल दूंगी। जूता ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप हमें, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। दो दिन हमने आपको बहुत मिस करा जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लेकिन हमने भी आप सबको, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ब्लैक में आप बहुत क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी कैटलॉग है? कोई कैटलॉग निकाले ना आपकी? कैटलॉग एक टीवी पे था इससे पहले, वहाँ के है, लेकिन एक आई थिंक इंटरनेट इज द बेस्ट वे। आप यूट्यूब फेसबुक पे आपको नेट में यूज नहीं करती ना प्लीज। चले इंशाल्लाह जल्द बुक भी आने वाली है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दोस्तों लौकी इस तरह आपने करना है कि इसके चार पीस किए, लौकी के बहुत फायदे, और बिल्कुल। लेकिन उससे पहले देखिए इस कीमे में जरा सा पानी ऐड करते हैं, देखिए बहुत चटपटा हो चुका है तैयार, जरा सा पानी इतना भी ये सरफेस पे लगने से महफूज रहता है। इसी में जो धनिया पुदीना चॉप था कुछ इसी में हम शामिल करते हैं, करते हैं मिक्स, साथ ही ऐड करते हैं लौकी। सिंपली लौकी के आपने चार पीस किए, सीड लेस करना है, ठीक है।
तरह बाकी लोग सीडलेस क्या और से हम कर लेते हैं इस तरह काट देते हैं। कोशिश कीजिए बिल्कुल फाइन काटना, ज्यादा ठीक नहीं लगता, ठीक है, ताकि ये डिजॉल्व होके गले और बहुत मजे की छल होगी तैयार। बाकी लोग के लिए इसे सीडलेस किया आपने, ठीक है, करते हैं। कीमा मसाला राइस हो रहे हैं बिल्कुल तैयार। और ये भी इसी में ऐड करते हैं, ठीक है। लौकी इसी कीमे में, जब कीमा कोई 90% गल जाए उसके बाद लौकी बहुत जल्दी गलती है, ठीक है, कि गलने की टाइमिंग डेफिनेटली कम है। इवन गाजर से भी जल्दी टेंडर हो जाती है, सॉफ्ट होती है, इतना ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। जरा सा और पानी ऐड करते हैं ताकि अच्छी तरह इसका प्रोसेस जाए, साथ ही दीगर स्पाइसेस में इसी में ऐड करते हैं हम पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला लगभग एक चाय का चम्मच, और जरा सी और कुटी हुई काली मिर्च शामिल किया, ठीक है, करते हैं मिक्स, और जरा सा पानी ऐड करना ताकि हल्की सी लौकी सॉफ्ट हो जाए। कीमा मसाला राइस हो रहे हैं तैयार। आप देखें शेफ 21, आप चाहें और यूट्यूब या फेसबुक की दुनिया में शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, CHEF इसके बाद जरूर लाइक कीजिए, वहाँ आपको हर रोजाना बनने वाली रेसिपी जरूर मिलेगी, बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं। YouTube पे शेफ इकबाल शाह के नाम से हमारे YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। देखिए कितना ये दिलकश लग रहा है कीमा, डेफिनेटली यूज अमेजिंग। चिकन में भी फिश में भी आप कर सकते हैं तैयार। प्रोसेस जारी है इसका, कुछ ही देर में भी हमने राइस ऐड करने और दम पे रखना है, ठीक है। तो कीमा मसाला राइस हो गया तैयार, और एज इट इज भी अगर आप पराठों के साथ या नान के साथ खा सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। रायता भी करना तैयार, सारा भी आज की बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सारा आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज तो फर्स्ट है हमारे घर में भी कीमा मटर बने। कीमा मटर, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है, मजे का बनता है कीमा मटर भी। आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है अब, सही है? जी जी अब सही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। सारा क्या कहेंगी आप, कोई फरमाइश है, क्या कहना चाहेंगी आप? फरमाइश तो क्या, मतलब आप सभी पूरी कर देते हैं माशाल्लाह से। सवाल का जवाब देना था मैंने जी, प्लीज बताइए वो क्या चीज़ है जो आदमी पहनता है कभी कभी खा भी लेता है। मुझे भी चांदी ही लग रहा है। चांदी जी, सही सही, ठीक है। और मैं वो शेयर ऐड करना चाहूंगी है नहीं? प्लीज, मैं जानता हूँ मैं खुश तो हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ तो हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ क्योंकि मेरा रब ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई। वाह जी वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच सारा जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह मेरे रब ने, और एक मैसेज भी है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि हर इंसान की इज्जत उससे मोहब्बत करो, हर इंसान की इज्जत उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर खुदा की अल्लाह ताला की कोई कुछ मौजूद होती है। I strongly believe the thing is that कि हम सबको अल्लाह ने क्रिएटिव बनाया, और कुछ लोग I would say नेगेटिव सोचों में, और आई थिंक कुछ उन चीज़ों में अपनी जिंदगी जाया कर देते हैं, बाद में होश आता है कि किन चीज़ों में हमने अपनी लाइफ जाया कर दिया। We need to know ourselves, कहा जाता है ना, तो मेरा ना बन तो ना बन, अपना तो बन। और आई थिंक जब आप अपनी जात से मोहब्बत करते हैं, मींस कि अल्लाह ताला के प्रोडक्ट से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान अल्लाह की सबसे ग्रेटेस्ट जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैंने जो कुछ तख्लीक किया जहां में चांद तारे सूरज जमीन आसमान, उन सब में से मेरी शानदार बेस्ट तख्लीक इंसान है। अब अल्लाह की बेस्ट तख्लीक है, और अगर अपने आप को कोई अगर अच्छा नहीं समझता तो यकीनन अल्लाह ताला की प्रोडक्ट में भरोसा नहीं करता। कीमा प्रोसेस जारी है, जरा सा पानी उसको दम पे रखते हैं, और थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए, आपकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना सा ख्याल रखना है कि सरफेस पे लगने से महफूज रहे, इतना पानी शामिल करना, बहुत ज्यादा पानी शामिल नहीं करना, ठीक है। लौकी को हम दम पे इंशाल्लाह बिल्कुल ही गल जाएगी, हलवा हो जाएगी, ठीक है। वक्त कम है, और बट वी आर फीलिंग सो ग्रेट आज यहाँ मौजूद, और हमने हमेशा बात की माशाल्लाह से 200 एपिसोड होने वाले हैं शेफ 21 के,
और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्गली बिलीव, बल्कि सच्चे दिल से कहना चाहूंगा, हमने हमेशा कोशिश की पॉजिटिविटी की बात की जाए, बेहतरी की बात की जाए, और यही वो चीज़ है जिससे बदलाव आता है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू। ठीक है, दम की जानिब चलते हैं, ठीक है, और चूल्हा कर चुके हैं बंद, ठीक है, बहुत कम कर चुके हैं, उसके बाद उसके अंदर हम राइस ऐड करते हैं, ठीक है। कीमा मसाला हो चुका था तैयार, पर राइस से पहले एक कैप्सिकम शिमला मिर्च ऐड करते हैं, ठीक है। कीमा वैसे गल चुका है, शिमला मिर्च का आपने सीड अलहदा करने, उसके बाद इसे कर लेते हैं जूरियत। शिमला मिर्च भी शामिल करते हैं, ठीक है, बस रासा ठीक है। और अब राइस ऐड करते हैं, बस जरा सा पानी हो ताकि सरफेस पे लग जाए, ठीक है, मिक्सर पर सेट कर लेना है। उसके बाद जो बॉइल्ड राइस मौजूद है, ठीक है, राइस ऐड करते हैं, और ये देखिए आप, ठीक है, राइस ऐड करें और साथ से दम पे रखना है। और आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम करेंगे तैयार आलू का रायता, बट जस्ट लेकर ब्रेक लेते हैं उसके बाद। ये दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो, वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, लास्ट ब्रेक ले चुके हैं, और अब कोई ब्रेक नहीं है। राइस हमने रखे हैं दम पे, कीमा मसाला राइस जो काफी बस का प्रोसेस जारी है, ठीक है। और जरा दम की बात की जाए, दम का मतलब ये कि चूल्हा बहुत ही कम हो, ठीक है, इतना होगा अच्छी तरह से दम आ सके, प्रोसेस जारी है। और साथ ही हमने आलू का रायता करना है, जिसके लिए दही है फ्रेश योगर्ट, दही जिससे बहुत फायदे उठाए जाते हैं, बालों में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, शाइनिंग के लिए, इसी तरह स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया, अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। साथ ही बाकी दीगर अज्जा में आलू मौजूद है, बॉइल्ड पोटैटोस, ठीक है, जिस तरह हमने कहा आलू का रायता करना है तैयार। और आलू किस तरह आपने, इसके दो वे, एक तो आप चाहें तो फोक से कांटे से इस तरह मैश कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए आप कांटे से इस तरह मैश कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा एक आप चाहें तो नाइफ से भी चॉप कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, इस तरह आपने फोक से करना है मैश, ठीक है। पोटैटो रायता कर रहे हैं तैयार, आलू को कर रहे हैं मैश, प्रोसेस जारी। आप मौजूद है हमारे साथ, कोई कॉलर भी है, और बात करते हैं उससे पहले, देखिए आलू कर रहे हैं मैश, ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसे मैश कर लेना है। और जब मैं पोटैटो की बात की, कोशिश कीजिए जब आलू जितना गर्म होगा तब क्विकली हो जाएगा, बंस ठंडा हो जाए तो क्विकली बन। शहनाज मौजूद है लास्ट कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आमीन, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? बस मजे में, परफेक्ट। और कहाँ, इस्लामाबाद से कॉल की मेरे ख्याल से आपने? इस्लामाबाद में काफी ठंड है बेटा, ठंड ज्यादा, अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगी बेटा, आप तो मेरी बच्ची बड़ी शौक से देखती है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, माशाल्लाह, वो रेसिपी लिखती रहती है, बहुत अच्छा सिखा रहे बेटा आप। जी जी जी, खैर मुबारक, और आपके लिए भी दुआएं, अल्लाह खुश रखे, शादोआबाद रहे। आपको उठते बैठते दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जल्दी से आपकी शादी करवा दे। आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह आप सबको खुश रखे। अच्छा, दुआओं में भी शादी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये आलू मैश कर चुके हैं,
और इसी में हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, कढ़ाई में हमने आलू शामिल किए, मैश बॉइल करके मैश कर लिए थे, ऐड करते हैं, ठीक है। और हमारी दुआएं उन तमाम दोस्तों के लिए जिनकी शादी होने वाली है कि मैरिज से हो, जल्दी हो, ठीक है। और अपने लिए दुआ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, दही में आलू, बाकी अज्जा ऐड करते हैं, नमक हसबे जायका, कुटी हुई काली मिर्च, कुछ और चीजें ऐड करते हैं, टमाटर दो पीस, उसके बाद स्लाइस किया, करते हैं ऐसे चॉप, ठीक है। रायता बहुत मजे का होगा इंशाल्लाह, चॉप करके शामिल करते हैं, ठीक है। चॉप टमाटर आलू के बाद कुछ धनिया पुदीना, इसे भी हम करते हैं चॉप। देखिए रायता मजे का, अब खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये भी इसमें शामिल किया, मिक्सड वेल। तो ये देखिए बहुत मजे का हमारा आलू का रायता हो चुका है तैयार, और डेफिनेटली सीम्स यम्मी। इवन आप दाल चावल के साथ भी इसे एंजॉय करने जाएंगे, आपको मजा आएगा। जरा सा चाट मसाला भी ऐड करते हैं रायते में, ठीक है। और करते हैं मिक्स, और ये रायता हो चुका है तैयार, निकालते हैं, ठीक है। फूटा हुआ रायता, कोशिश कीजिए अच्छी तरह से मैश करने का, देखा ये यकजा हो जाए तमाम चीजें, आलू भी दही भी और तमाम सब, ठीक है। निकालते हैं इसे, ठीक है। पोटैटो रायता हो चुका है तैयार, ऑन टॉप जरा सा धनिया पुदीना और कलरफुल करने के लिए जरा सा टमाटर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कीमा मसाला राइस की जानिब। देखिए अच्छी तरह से दम आ चुका है, और कभी भी जिस तरह हमने कहा बिरयानी भी बीच से चम्मच नहीं चलाना, एज से स्टार्ट किया, इस तरह आपने खोलना है। देखिए इसकी दिलकशी, अब ऊपर वाइट चावल थे लेकिन अंदर कितने मसालेदार कीमा, लौकी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, ठीक है। बिरयानी नहीं दोस्तों, कीमा मसाला राइस, ठीक है। वाह, निकालते हैं स्प्रेडर, ठीक है। कीमा मसाला राइस दोस्तों हो चुके हैं तैयार, चावल खिले खिले, कीमा चटपटा मसालेदार, ठीक है। ऑन टॉप कोशिश कीजिए प्लेन राइस हो ज्यादा बेहतर, इस तरह से, कीमा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मिडल ईस्ट जाए वहाँ भी काफी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। और आज हमने कीमा मसाला राइस किए तैयार, ठीक है। और गार्निश के लिए चावल अच्छे खासे कुछ देर में एंजॉय करते हैं। आप भी अगर मजेदार कीमा मसाला राइस बनाना चाहते हैं जरूर ट्राई कीजिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। साथ ही लेमन ड्रिंक काट लेते हैं इसके, ऑन टॉप लेमन रखा आपने। थैंक यू सो मच यू ऑल, सफाई यकीनन जरूरी निफ्तीमान, थैंक यू सो मच यू ऑल साथ देने के लिए। सवाल पूछा कि वो क्या चीज है, ठीक है। सफाई उससे पहले ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत मजे का कीमा मसाला राइस सूखने तैयार। सवाल पूछो वो क्या चीज है जो आदमी पहनता है और कभी कभी खा भी लेता है। एंड वी सेड कि ट्रिकी सवाल था, और सही जवाब है दोस्त बिल्कुल जूता, ठीक है। एंड ट्रिकी, आई थिंक के थैंक यू सो मच योर साथ देने के लिए। जिन दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिया उनमें रुखसाना जैदी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा जिन जिन ने दुरुस्त जवाब दिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और आप भी कहेंगे मुबारक हो मुबारक हो। और बाकी एक दोस्तों जरूर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसे बात माशाल्लाह जस्ट अबाउट टू कंप्लीट 200 एपिसोड, लेकिन आप खुद भी फीडबैक देना चाहें कि आप जो क्या मजीद देखना चाहते हैं, कोई अपनी एडवाइस देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, जरूर आप कंट्रोल रूम में भी और फेसबुक पेज हमारा K21 जरूर हम बता सकते हैं। और दोस्तों महफिल रंगीन है, सब कुछ मुमकिन हूँ आपकी वजह से, इसका साथ है डेफिनेटली हमेशा बात की इंशाल्लाह वी विल प्रोड्यूस द बेस्ट शोज ऑफ पाकिस्तान होगा, सच जरूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर कीमा मसाला राइस और आलू का रायता हो चुका है तैयार, लेते हैं इजाजत, खुश रहें, शादाबाद रहें, रोजाना लाइव होते हैं हम 6-7 रिपीट टू 11-12 बजे तक ऑन K21 जूट रहे और सुन रेसिपी ऑफ कीमा मसाला राइस और साथ ही आलू का रायता, खुश रहें, शादाबाद रहें, एंड हवा की बेटी को शाद बाग दो, बच्चों को खुशियां बख्शो।